हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एमएससी मैथमेटिक्स एंट्रेंस पेपर की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है हमारे पास, द वॉल्यूम ऑफ द पोर्शन ऑफ द सोलर सिलेंडर x² + y² <2 बाउंडेड एव बाई द सर्फेस z बराबर x² + y² एंड बाउंडेड बिलो बाई द xy प्लेन। तब उसका हमारे पास वॉल्यूम क्या होगा, ये हमारे पास इस क्वेश्चन में पूछा गया है। फ्रेंड्स, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है फ्रेंड्स, वॉल्यूम v बराबर, और हमारे पास दिया हुआ है z बराबर, तो पहले लिमिट होगी z की लिमिट जो होगी वो है x² + y² < 2। ये सिलेंडर दिया हुआ है x² + y² < 2 एंड इंटीग्रेशन ऑफ x² + y² dx dy। ये फिर फॉर्मूला होता है। बेसिकली यहाँ पे हमारे पास dA होता है, जिसको हम dA होता है। तो ये हो गया हमारे पास। अब फ्रेंड्स, ये v है हमारे पास। अगर इसको हम पोलर फॉर्म में चेंज करना चाहें तो पोलर फॉर्म में चेंज करने के लिए लेट x = r cos θ एंड y = r sin θ। तो ये हो जाएगा हमारे पास v बराबर, लिमिट अगर देखें तो यहाँ से अगर हम थीटा की लिमिट देखें तो थीटा की लिमिट जो होगी 0 to θ = 0 to 2π, और अगर r की लिमिट देखें तो r की लिमिट जो होगी वो 0 to और अकॉर्डिंग इसके अकॉर्डिंग √2 ये होगी। तो ये हो गया हमारे पास x² + y² करेंगे तो r² और dx जो यहाँ पे dx dy होता है उसकी जगह r d θ dr रिप्लेस हो जाता है। तो ये हो गया हमारे पास। तो फ्रेंड्स, इसको लिख सकते हैं हम, इसको r² को हम r³ लिख सकते हैं, r³। अब ये हो गया हमारे पास। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन करने के लिए पहले विद रेस्पेक्ट टू r करेंगे, तो विद रेस्पेक्ट टू r इंटीग्रेशन करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे कर देता हूं मैं, θ = 0 to 2π, r का ये हो जाएगा r⁴ और लिमिट है हमारे पास 0 to √2 और ये हो गया d θ। अब फिर से अगर लिमिट अप्लाई कर दें हम तो लिमिट अप्लाई करने पे ये हो जाएगा हमारे पास θ = 0 to 2π और ये हो जाएगा √2 की पावर 4। तो √2 की पावर 4 यानी कि 4, और 1/4 आगे बार है ही, 1/4 उसको बाहर ले लेते हैं। और जब 0 अप्लाई करते हैं तो 0 हो जाएगा, तो 4 - 0 of d θ। तो ये 4 बाहर आ जाएगा, ओनली 1 रहेगा। जब ये 4 बाहर आया तो 4 से 4 कट जाएगा। ये हो गया हमारे पास 0 to 2π of d θ। तो यहाँ से हमारे पास आ गया थीटा और लिमिट है 0 to 2π। तो यहाँ से 2π - 0 = 2π। तो फ्रेंड्स, ये इसका करेक्ट आंसर आ गया हमारे पास। 2π जो है ये हमारे पास इसका वॉल्यूम है। तो इसी तरह के और क्वेश्चंस के लिए फ्रेंड्स मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।